टू फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी अपनी सरिता दरक। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप सबको दिख रहा है कि दीदी आज तैयार होके कहाँ जाएगी, तो मैं तैयार होके कहीं नहीं गई। मैंने मेरे रील्स के लिए वीडियो शूट किया है। तो जैसे कि आप सबको बताया कि आज सैटरडे है और मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे पॉलिंग की थी कि क्या मैं अपना सुंदरकांड का व्लॉग शूट करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया कि हाँ दीदी करो। सो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप सबके साथ मेरा जो सुंदरकांड का व्लॉग है वो शूट करूं। तो आज हम बनाएंगे कुछ अच्छी सी डिश, मैं आपके साथ शेयर करूंगी जरूर। और पहले ये बताओ मैं लग कैसी रही हूँ, अच्छी लग रही हो ना? नहीं भी लगे तो भी अच्छी ही बोलना मुझे। तो चलते हैं आप किचन में। किचन में जाने से पहले मैं ये मेरे सुंदर सुंदर जो चूड़े हैं और ये जो है ये आज बताओ मैंने आज कौन सा लुक लिया है। और हाँ, जाने से पहले मैं एक बार खड़ी होके भी आपको दिखाऊंगी मेरा पूरा लुक कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि फिर मैं थोड़ा इसमें चेंजेस कर दूंगी, फिर किचन में जाएंगे, है ना? सो लेट्स गेट स्टार्ट। बताओ मैं अपना लुक दिखाऊं? सो आज मैंने लुक लिया है, शायद ये मराठी लुक है, शायद, नॉट श्योर। कैसी लग रही है मुझे ये बताओ, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये वाली नथनी एंड ऑल ये सब ये पहली बार मैंने ट्राई किया है। सो अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर गंदी लगूँ तो कुछ मत बताना, छोड़ देना। कि और अब मैं जाऊँगी ये चूड़े वूड़े सब खोल के फिर मेरा किचन मुझे याद कर रहा है, क्योंकि आज है क्या है बताओ सुंदरकांड। सो हम चलते हैं अब अपने किचन में। सो ये कर रहे हैं हम पूजा की तैयारी। तो आज क्या है? सुंदरकांड। तो अभी मैं आपको लेके चलूंगी मेरे किचन में भी, थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे किचन में। अरे मनोज भी अब बर्तन बजा रहे, खट 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 खट। आज खाने में क्या डिश है? आज खाने में बहुत अच्छी चीजें बताऊंगी, ऐसे इतनी जल्दी जल्दी ना बताऊंगी, फिर सरप्राइज खत्म हो जाता है। एंड तक बने रहिए, आपको जरूर पता चलेगा कि आज क्या है खाने में। अच्छा नहीं, अभी बता सकते हो तो इसे बता सकते हो आप? नहीं, फिर एंड तक नहीं दिखेंगे ना, और उसकी अगर चाहिएगी तो उसकी रेसिपी भी जरूर जरूर मैं शेयर करूंगी, क्योंकि लास्ट वाली रेसिपी को भी बहुत अच्छा प्यार मिला। अच्छा ऐसा है क्या? जी हाँ जी। तो ये हो गई है हमारे यहाँ की तैयारी, अब हम चलेंगे किचन में। चलो लेट्स गो, लेट्स गो। 1, 2, 3, चलो आओ किचन में, आओ। आज हम दोनों पहले मिलकर रोटी बनाएंगे। ये मैं ये काट रही थी, फिर सोचो तो ये काट के यार मिर्ची काटने में ना हाथ बड़े चलते हैं सच में। किसके किसके हाथ चलते हैं वो भी बताओ कमेंट्स में। मैंने तो बहुत जल्दी मिर्ची काटी, क्योंकि मुझे चाहिए यार शिमला मिर्ची, टमाटर और प्याज भी डाल सकते हैं इस रेसिपी में, बट आज सैटरडे है तो हम लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि हम ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे में प्याज नहीं खाते। लिया है दूध, सो पहले पिलाएंगे हमारे लल्ला जी को, उसके बाद पिलाएंगे हेमंत को। सो आओ लल्ला जी। हाँ ये देखो मेरे लल्ला जी की खुद की गाय भी है, छोटी सी, थोड़ी सी आगे बुलाते हैं मेरे खाना, आ जाओ। अब पिलाते हैं उनको दूध। जैसे कि आप सबको पता है हम हमारे लल्ला जी को हर चीज के चार बाइट देते हैं, सिर्फ चार, मतलब लिक्विड के चार सिप हो गए और कोई भी खाने वाली चीज के हो गए चार बाइट। और ये पिलाएंगे हमारे बड़े लल्ला जी को। हे मान, लो दूध पियो अपना। हेलो करो पहले सबको। आपने क्लास कर ली अपनी? अब क्या करना है, मोबाइल देखना है? अभी हेमंत लग रहा है एकदम तेनालीरामा की तरह, ये देखो उसकी चोटी भी आ रही है, बहुत क्यूट सा। अरे तेनालीरामा कौन है पता नहीं, बना रही है रोटियां, छोटे भैया काट रहे हैं टमाटर। हाँ जी, जो आज हमारी डिश है वो रोटी वाली ही है, सो कोई गेस कर सको तो बताओ। यार ये ना पता है आप सबको, दीदी की बहुत फेमस डिश है ये। हाँ बहुत बहुत इंस्टाग्राम पे इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी प्लीज इस चीज की रेसिपी बता दो, ये क्या बना रहे हो आप।
कैसे बनाते हैं? बहुत इजी है, आप कभी भी ये घर पे बना सकते हो। हम तो गरम गरम इसलिए बना रहे हैं ना, गरम गरम रोटी के साथ, क्योंकि पंडित जी आने वाले थे, सुबह का बासी तो ना खिलाएंगे पंडित जी को, तो हम रोटियां बना के रख देंगे जल्दी जल्दी, फिर ये बन जाएगी हमारी रेसिपी। मैंने वो मिर्ची मैंने काट दी थी, अब टमाटर मनोज भी काट रहे हैं, फिर बस। और प्याज हम आज डालेंगे नहीं, सैटरडे है, वरना ये प्याज के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। मनोज पनीर है ना घर पे, हाँ पनीर भी काटना। तो बस मैं we can use स्वीट कॉर्न as well। हाँ स्वीट कॉर्न भी है ना, स्वीट कॉर्न भी बॉइल करना मनोज, फिर देखना इस डिश की स्पेशलिटी। हाउ जैसे कि रोटी का तवा गर्म हो जाता है, पहली रोटी जब भी हम बनाते हैं तो ये होती है गाय की, और उसके बाद कपड़ा चाहिए। श्री परमात्मने नमः। सी हर मुझे बहुत पसंद है। देखो अगर आप लोगों को चाहिएगा तो मैं इसकी रेसिपी भी जरूर आपके पास। लो दीदी जल सेवा, ये देखो हमारे छोटू भैया। हेलो मनोज भैया, छोटू भैया मेरे को देख कैसे कर रहे हैं। हेलो मेरे ऐसे बोला था, मैं भी ऐसे कर दिया है। मेरा मनोज को कुछ नहीं पता होता है, बहुत भोला आदमी है। पानी पियो। हेलो फ्रेंड्स पानी पी लो। ये देखो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाना, बहुत यम्मी यम्मी सा है यार। ये गाइस को पता होगा ये क्या है। हाँ क्योंकि इन लोगों ने हमारी इंस्टा स्टोरी बहुत देखी होगी, इफ अगर इनको पता है। हाँ जिन्होंने इंस्टा स्टोरी नहीं देखी है वो न्यू है, इनको नहीं पता होगा। बाकी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या। और हाँ एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नहीं
कि जिसके ज्यादा अच्छे कमेंट्स होंगे, बेस्ट वाला कुछ डिफरेंट का कमेंट होगा, उसके कमेंट को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आई प्रॉमिस। सो कमेंट सेक्शन से पूरा कमेंट से पढ़ दो, मैं सारे कमेंट रीड करूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस, पक्का। तो गाइस जिसका कमेंट सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा, सो गेट रेडी। अच्छा होना चाहिए, मैंने कि कुछ भी उठा होगा कि कुछ भी बोल दो, ये मत करना प्लीज। गेट रेडी, तो आ जाओ, हमारी डिश ऑलमोस्ट हो गई है रेडी। वो व्हाट अ रायब, गेट रेडी, हमारी डिश हो गई है रेडी। यार गर्मी बहुत है, सच में बहुत गर्मी है, बैंड बज जा रही है, हाय गर्मी, नोरा फतेही का गाना है नाचो। अब ना भी नाचे जाते यार, अरे नहीं उस गाने पे नाचो, और फिर यहाँ पे सब कमेंट्स में क्या बोलेंगे, खुशी दीदी आपको सिर्फ यही आता है, लेट्स नाचो 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 करेंगे, आप खुशी दीदी कुछ नहीं करेंगे। सो अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी तो मुझे कमेंट्स में जरूर जरूर बताना, और जिनकी कमेंट्स में मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसको उसकी एक्सप्लेनेशन की हुई रहेगी उसका कमेंट मैं पिन करूंगी जरूर। जब तपती गर्मी का मौसम आया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी को, हमारे किचन में फैन भी नहीं है, आप देख सकते हो कहीं कोई हवा वाला सिस्टम भी नहीं है, बहुत गर्मी है किचन में, तो हम बीच बीच में यहाँ आ जाते हैं, हमारे न्यू कूलर की हवा खा रहे हैं। कितना खुश है यार न्यू कूलर को लेकर। जरूरी नहीं होता कि हमको हमेशा पिज्जा कटर अवेलेबल हो, तो हम खुरपका नहीं, हम हैं भारतीय इंडियन, तो जुगाड़ू तो हम कहीं से भी हैं, तो ये देखो ये हो गया हमारा कटिंग, टैप करा, लेकिन तो मन लगा के काट रही है पिज्जा को, है ना दीदी? यस, सही है, कट गया। बंदी जी खा के बताओ कैसा बना है? वो है मेरे सबसे छोटे वाले नंदोई जी, तो जीजू आपके लिए भी लेके आ रही, पहले बता दो कैसा बनाती हूँ मैं डिश। वेरी नाइस, वेरी नाइस, हम तो जितनी बार ये होते हैं नंदोई जी बिना खाए भी यही बोलेंगे कि हाँ वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कितना अच्छा, वेरी गुड, कितना अच्छा, 100 में से कितना कितना दोगे, 100 में से 100 में से 100 100 में से 200 ये होता है, ये देखो वापस बोलना, 100 में से 100 में से 200 हाँ, लेना पड़ेगा 10 में से। फाइनली रात के बज गए 11:30, हमारा किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया, पंडित जी अपने घर गए, हम सब ने भी खाना खा लिया है, ठूस लिया, और आज क्या बनाया था वो बताते हैं, आज क्या बनाया था, फुल्का वाला पिज्जा, यम्मी यम्मी। ये ना डिश मेरी दीदी के इन्वेंट की हुई है, जो हमारे घर में बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत टेस्टी बनाती है दीदी, कसम से। सो जिनको भी इसकी रेसिपी चाहिए वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर कमेंट कर देना, और आपको वो बात याद है ना, कौन सी वाली, जो जो भी सबसे बेस्ट वाला जिसका कमेंट होगा उसको मैं कमेंट सेक्शन में उसके कमेंट को पिन करके रखूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। और जो चैनल पर नए आए हो वो लाइक करो और सब्सक्राइब, जो चैनल पर नए आए हो वो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और टिकटॉक के लाइक करो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, और वीडियो को आइकन को ऑल पे सेट कर देना, तो आपका हर हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ, और एक बार आज रात को 11:30 बजे तक हेमंत इसलिए जगा है क्योंकि कल संडे है, हमको आराम से सोना है, आराम से उठना है, नो स्कूल। सो आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना।